दोस्तों आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम साइंस के रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो कि अक्सर ही मेन लेवल में एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वह कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, उसे हमें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी पोटाशियम। पोटाशियम की वो धातु होती है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे कौन सी प्रक्रिया होती है, उसे हमें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की वो प्रक्रिया होती है जो कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सी उपचयन प्रक्रिया। उपचयन प्रक्रिया होती है जो कि रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना कहलाती है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? इसकी राइट आंसर है ए कार्बन। कार्बन की वो धातु होती है जो कि अधातु चमकीला है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन और सीसा मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी सिलेंडर। सिलेंडर को जो कि हमें टीन और शीशा के मिश्रित धातु को कहते हैं। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अवरूप सबसे ज़्यादा कठोर होता है? इसका सही आंसर है बी हीरा। हीरा होता है जो कि कार्बन का अवरूप सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? इसका सही आंसर है ए कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड होता है जो कि कॉपर को वायु में जलाने पर इसके यौगिक बनता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में एक धातु के पर्द हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी आयरन मिश्र धातु। आयरन मिश्र धातु होती है जो कि मिश्र धातु में एक धातु के पर्द हो तो उसे कहते हैं। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर भाप को अभिक्रिया का कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर है भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है जो कि लोहे पर भाप को अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होती है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इसका राइट आंसर है बी 2%। 2% होता है जो कि इस्पात में प्रतिशत कार्बन। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम क्या है जो धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? इसका राइट आंसर है ए कैल्शियम। कैल्शियम के वो धातु होती है जो कि धातु को जल में डालने पर तैरने लगती है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्यों, ये ऊष्मा है क्या है? इसका राइट आंसर है भी संचालक होता है। संचालक होता है जो कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वो ऊष्मा का होता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम लिथियम कैल्शियम में किस धातु को चाकू के कार जा सकता है? इसका सही आंसर है ए सोडियम। सोडियम की वो धातु होती है जिसके हमें चाकू से कार्य किया जा सकता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की किरोसिन में डुबोकर कर सकते हैं? इसी का सही आंसर है ए सोडियम। सोडियम की वो धातु होगी जिसमें किरोसिन में डुबोकर कर सकते हैं। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का क्या नाम है जो हम पानी में डुबो कर रख सकते हैं? इसका राइट आंसर है बी क्षेत्रफार फॉर्म। क्षेत्रफार फॉर्म होती है वो धातु होती है जो कि हम पानी में डुबोकर रख सकते हैं।